चलते हैं मास्टर साहब। और हाँ, शाम तक ही घर खाली हो जाना चाहिए, काहे कि रात में हमको आकर के इस घर में पार्टी करना है। ठीक है, तक हम तुमसे कभी कह नहीं पाए बेटा कि हम तुमसे प्यार करते हैं। वो कहा है ना कि हम जिंदगी में हमेशा कंजूसी ही करते रहे, हमारा मन भी कंजूस रहा और हम खुद भी, हमारे अंदर धन की नहीं मन की कंजूसी भी भरी पड़ी थी। लेकिन अब हम कोनो कंजूसी नहीं करेंगे। अब हम सिर्फ तुम्हारे पापा हैं। पापा आप कंजूस नहीं है, बस थोड़ी देर लगा दे ये बताने में कि आप हमसे प्यार करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, देह से आई खुशियां ज्यादा कीमती होती है। तुम सब हमको माफ कर दो। नहीं पापा, माफी नहीं, सब प्यार करते और हमको वही चाहिए। हाँ, हम अपनी बेटियों से बहुत तो प्यार करते हैं। भले ही हमसे हमारा ये घर छीन लिया हो, बट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज हमको दे दी है, हमारे पापा, जो आज तक हमारे होकर भी हमारे नहीं हुए, हमको मिल गए। सत्तू ने हमें हमारे पापा लौटा दिए चुटंकी। आज एक और अजीब बात हुई है। वो क्या? 36 गुण बराबर एक पैसा वाले पापा अपने दकियानुसी विचार से बाहर आ गए। हाँ देखना, बहुत जल्द हमारे पापा एक सुपर हीरो की तरह सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और फिर क्या? फिर तुम्हारे लिए भी एक सुपर हीरो ढूंढ लेंगे। जाके खोलो। हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ। अरे जाओ ना यार, प्लीज। जीजू आप आइए ना। जीजू, मम्मी गए। पापा, मम्मी, मंजी, क्या हुआ? कैसे कैसे हो आप दीदी? कैसे हैं? अरे कैसे बेटा, खुश रहो खुश रहो, इतनी सुबह सुबह सब ठीक? हाँ जी सब ठीक है। हमारी बड़की तो ठीक है ना? बड़की ठीक है माँ। पापा, आज मैं एक अधूरा काम पूरा करने आया हूं। क्या काम? ये लीजिए। ये क्या है? खोलिए तो सही।
इस पर तो हमारा नाम लिखा है। मास्टर शिवोत्तम शर्मा, ऐसा मजबूत और सॉलिड कागज बनाइए ना घर का कि बाद में ना कोई दिक्कत ना हो। अरे हाँ भाई, एकदम सरकारी, वो स्टाम्प ड्यूटी वाला चाहिए, और क्या। कागज, स्टाम्प पेपर, लड़का कोई नया चक्कर चला रहा है क्या? कल तक ये घर सत्यकाम मिश्रा का था। लेकिन आज से ये घर आपका है। सच में घर का कागज हमारे नाम पे हो गया। पर ये सब हुआ कैसे? सत्तू तो हमको घर से बाहर निकालने। जी बिल्कुल, सत्तू ने खुद ही ये घर आपके नाम पे किया है। पर उसने माफी भी मांगी है, ये रहा उसका माफीनामा। पढ़ो जा। पढ़ो। चुटकी छुटंकी जी, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। हम आए थे अपने पापा की आज्ञा का पालन करने। आप लोगों से ये घर छीनने और जीतने, पर अपना सब कुछ हार के जा रहे हैं। ये घर आपका था और आपका ही रहेगा। वैसे तो हम अपने पापा और दुनिया की नजर में एक निहायती ही निकम्मे और नकारा आदमी है, पर आज हमको इस बात की तसल्ली है कि ये घर आपके पापा को लौटाकर हमने एक ढंग का काम किया है। इस दरमियान आप लोगों को, खासकर आपको छुटकी छुटंकी जी, बहुत तकलीफ पहुंचाई हमने। उसके लिए दिल की गहराइयों से माफी मांगते हैं। अम्मा के चरणों में स्पर्श। सागर जैसा दिल है अम्मा का, वो तो हमको माफ कर ही देंगी। पापा के कदमों में हमारी अलग से माफी। मास्टर जी लोगों को सजा देते हैं, पर माफ भी कर देते हैं। मंजली को ढेर सारा प्यार। और आपसे फिर से छुटंकी जी, आई एम सॉरी।
हम सब कुछ हार के जा रहे हैं इसके साथ, हम अपना दिल भी हार के जा रहे हैं। सब हुआ कैसे? अब हम तो कुछ भी नहीं किए हैं। ये सत्तू है जो इतना बड़ा काम इतनी आसानी से कर गया है। इसी काम के लिए तो हमको कल बुलाया था, यहीं मिले थे मुझसे रात में। जैसा आपने कहा था मैंने कर दिया है। इस घर के पेपर मास्टर जी के नाम पे कर दिया, प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी के साथ रजिस्ट्री भी हो गई है। राकेश जी, बहुत बड़ा काम किया है आपने हमारे लिए, लेकिन आपको एक काम और करना होगा। ये कागज ले जाकर के मास्टर जी को देना होगा। सत्तू जी, कमाल के इंसान हैं आप। कमाल के हम नहीं हैं, कमाल की वो है जो इस घर में छुटकी छुटंकी। हम तो यहां एक मकसद से आए थे राकेश जी, और वो मकसद अब पूरा हो रहा है। और हाँ, एक काम और करना होगा आपको, ये भी मास्टर जी को देना होगा। ये क्या है? ये हमारा माफीनामा है, ये भी जाकर के मास्टर जी को दे दीजिए। सत्तू जी, सच में बहुत गजब के इंसान है। पापा, सत्तू मुनाचक छोड़ के मुंबई जा रहा है। मुंबई जा रहा है? लेकिन काहे मुंबई जा रहा है? हमको क्या पता पापा, कोई नया निकम्मा बन करने जा रहा होगा। वैसे भी उसके पापा ने उसको घर से भी निकाल दिया है। निकाल दिया? अब वो कहाँ जाएगा? मुंबई तो बहुत ही बड़ा शहर है, क्या करेगा वहां पर? सत्तू तो बहुत ही भोला, बहुत ही नेक इंसान है। एक बार उसका चूल्हा चोरी हुआ था और एक बार हमको नहीं बोला। स्टोव है सत्तू का, इसका मतलब उन्होंने कुछ खाया ही नहीं। कि हमको भूख लगी, हमको कुछ चाहिए, इतना स्वाभिमानी लड़का है, हमको तो उसकी बड़ी चिंता होती है। पापा, सत्तू सब कुछ नहीं आ रहे हैं पापा। सब कुछ नहीं आ रहे हैं पापा। Thank you.
पापा, वो आपकी बेटी को जीत लिया पापा। पापा वो हमारे दिल को जीत लिया पापा। चुरंकी बेटा जा, उस सत्तू को रोक ले जाने से। और उसको और ये घर का कागज ये उसको दे दे। ये घर पे उसी का हक है, ये घर उसी का है। जा बेटा, रोक ले अपने सत्तू को, वही इसका सच्चा मालिक है। थैंक यू पापा। सबसे स्पेशल और सबसे खास कोई है तो छोटकी छोटंकी जी है। हमारी नजर में वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। हमको लगता है कि उनका दिल भी दुनिया में सबसे खूबसूरत है। उनकी स्माइल बहुत अच्छी है। हमको बहुत अच्छी लगती है छोटकी छोटंकी जी। मतलब हम ना छोटकी जी के ना बहुत बड़े वाले फैन हैं। एकदम दिल से फैन है उनके हम। कुछ जुड़ा हुआ कुछ टूटा हुआ भीतर अपने कुछ रूठा हुआ जाने क्या क्या सहा। संभल के। संभल गए। सच। बिल्कुल सच। तो अपना गेम खत्म। अभी तो गेम शुरू हुआ है ना? बिल्कुल। हमको फिर से कोई चैलेंज दीजिए ना। हाँ? चैलेंज? ठीक है। तो हमारे साथ खूबसूरत जिंदगी बिता के दिखाइए। क्या हुआ? मुश्किल है? चुनौती भरा है। काहे? काहे कि हम थोड़े से अल्लड़, थोड़े से बेबाक है, और आप? और हम? आप थोड़े मासूम और थोड़े से बेवकूफ।
भी बताइए चैलेंज मंजूर है कि नहीं? मंजूर है। काहे? काहे कि हम हैं चुटकी चटंकी। बाहरी चुटकी चटंकी। कहे थे ना हम आपसे छुटकी छुटंकी जी, ये आने वाला कल जो है हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर के आएगी। आपको इतना कष्ट करने का क्या जरूरत था? तो अपना गेम खत्म। अभी तो गेम शुरू हुआ है ना? बिल्कुल। बताइए चैलेंज मंजूर है कि नहीं? मंजूर है। काहे? काहे कि हम हैं चुटकी चटंकी।